हम सारे स्कूल में बैठे होते क्लासेस में अपनी, तो आर्मी का डॉक्टर आए थे, वो फर्स्ट एड के बारे में कुछ बता रहे थे हमें। तो उन्होंने हम सब 8th, 9th और 10th क्लास को हॉल में बुला लिया। तो हॉल हमारे स्कूल के यानी पीछे जो है ना, बस वो सिर्फ एक जाली है और एक दीवार है और बाकी पीछे सारा कच्चा इलाका है। तो वहाँ से आए हैं और फिर पहले ऊपर छत पर फायरिंग की है, फिर हमने दरवाजे टीचर्स ने सारे बंद कर दिए थे। तो जब दरवाजे बंद कर लिए तो उन्होंने दरवाजे भी तोड़ कर आ गए। अब तो अंदर जब आ गए उन्होंने बस फायरिंग शुरू कर ली, सारे बच्चे डर गए। तो फायरिंग जब शुरू कर ली बस फिर थोड़ी देर बाद यानी फिर चले गए थे ना कि, और वो जो उनका पुलिस यानी आर्मी वाले जो था उनको भी एक बुलेट लगी है। हम बच्चे सारे यानी बैठ गए थे नीचे, तो उन्होंने यानी पहले हवा पर किया है फायरिंग, फिर बच्चों को एक एक बच्चे को मार रहे थे अंदर। तो फिर वो सारे बच्चे जब वो थोड़ी देर बाद चले गए यानी जो दहशतगर्द आए थे, तो उसके बाद सारे बच्चे गए। यानी दो विंग्स हैं हमारे स्कूल में, एक कॉलेज विंग, स्कूल विंग है। कॉलेज विंग में अभी भी खबर है कि वहां पर दो क्लासेस में बच्चे हैं और यरगमाल बनाए हुए उन्हें। तो हम सारे अंदर चले गए थे स्कूल विंग में, तो वहां पर हम क्लासेस में बैठ गए थे अपने, यानी नीचे दरवाजे वरवाजे बंद करके बैठ गए थे नीचे। तो फिर बहुत देर हम बैठे रहे, बहुत गोलियां चलती रही, पता नहीं क्या क्या था, डस डस लगे हुए थे। तो अच्छा बेटा, जब ये लोग आए आपने किसी को तो जरूर देखा भी होगा, भागते हुए देखा होगा, वो किस रूप में थे, कैसे लोग थे? सिंपल शलवार कमीज पहनी थी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी उनकी माशाल्लाह से, और वो बस लगे हुए थे फायरिंग और अरबी जुबान में लगे हुए थे।